नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज तक पर हम आपको बता दें कि अब जो सुपर फोर के मुकाबले होंगे वो कोलंबो में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर तेज बरसात चल रही है। ये मुकाबले अब होंगे हम्बनटोटा में, जो कोलंबो से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है, तो हम्बनटोटा में। दूसरी बड़ी खबर ये कि एशिया कप के जो बाकी मुकाबले हैं सुपर फोर, जैसे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा 10 तारीख को, अब वो हम्बनटोटा में खेला जाएगा। और कल 1:30 बजे भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान होगा। और इस बीच भारत ने नेपाल को हराकर सुपर फोर में अपनी जगह बना ली है। 10 विकेट से भारत को जीत मिली। जैसे मैं बता रहा था, नेपाल है सामने। लोग कहेंगे कि नेपाल ने इतने रन बना दिए, वो अच्छा खेले, उनके लिए अच्छा था। फिर बरसात रही, लेकिन जब 23 ओवर में 145 का लक्ष्य भारत को मिला, भारत ने आसानी से यह लक्ष्य बनाया है 20.1 ओवर्स में 147 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 74 रन नॉट आउट 59 गेंदों में कप्तान रोहित शर्मा, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए, 6 चौके भी लगाए। और शुभमन गिल, जो अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे वनडे क्रिकेट में, उन्होंने 62 गेंदों में 67 रन बनाए, 67 नॉट आउट, उन्होंने 1 छक्का लगाया, 8 चौके। यानी कि भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर फोर में जगह बना ली है। सुपर फोर के मुकाबले कोलंबो में नहीं, हम्बनटोटा में खेले जाएंगे। यानी कि अगला मुकाबला भारत का रविवार संडे 10 तारीख अगेंस्ट पाकिस्तान होगा। कल 1:30 बजे भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान भी किया जाएगा। 3 बड़ी खबरें इस वक्त जो हम आज तक पर आपको बता रहे हैं। मदन जी स्टूडियो में है। मदन जी, एक वक्त तो लग रहा था कि ये मैच धुल चुका है, ये मैच नहीं होगा, लेकिन वो श्रीलंका है जहां पूरा मैदान कवर्ड होता है, ग्राउंड स्टाफ तकरीबन 150-200 लोग लगे हुए थे, और बाद में 23 ओवर भारत को मिल गए, लेकिन पसीना ज्यादा बहाना नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल नहीं बहाना पड़ा, बट ये भी बहुत जरूरी था भारतीय बल्लेबाजों के लिए, जहाँ बैटिंग करना और बैटिंग करके रन बनाना, और उन्होंने बनाए भी रन बनाए। क्योंकि देखिए, जो जब भी कोई बैट्समैन रन बनाता है, जो शॉट्स जो खेलता है, जैसे उनको काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास है अगर वो खेलता है रन बनाकर, तो उसमें होता क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस भी आता है। पर भारत ने ये 23 ओवर में जो चेज किया है, कोई ऐसा पैनिक नहीं किया कि 23 ओवर है, 145 रन करने हैं, बड़ी आसानी से रन बनाए। पर मैम, मुझे बड़ी खुशी है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, यू नो, देखिए ये जो प्लेयर हैं, ये एक टच प्लेयर हैं। देखो कि जो जब शॉट खेलते हैं तो बहुत बेहतरीन मतलब लगते हैं, और इनका इनका ऊपर से रन बनाना भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का मैच मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजों के लिए, ओपनर के लिए अच्छा रहा, क्योंकि एक 20-30 ओवर उन्होंने इकट्ठी बैटिंग की और रन भी बनाए। तो मेरा ये मानना है, भले ही नेपाल के खिलाफ रन आए हैं, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाजों के रन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करते ही है। और एक आउटिंग होगी ना भारत की, आपने बैटिंग भी थोड़ी सी कर ली, आपने गेंदबाजी पूरी की है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हम्बनटोटा में 10 तारीख को मैच है, सुपर फोर में भारत पहुंच गया है। गेंदबाजी ने लेकिन निराश किया आज। नहीं, देखिए गेंदबाजी थोड़ी सी रस्ती लगी जरूर है, डेफिनेटली। शरदल ठाकुर मेरे को इतना ज़्यादा मेरे को लगे नहीं वही रिदम से आके आसा सा गेंद करना, क्योंकि देखिए जब आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, मैं तो अभी एशिया कप की बात करनी चाहिए, पर वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडियन विकेट्स और ज़्यादा अच्छी होंगी। थोड़ा सा मेरे को लगता था कि उसको थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए। वहीं आप फंस जाते हैं ना, पर आपको थोड़ा सा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, मतलब आज शमी और सिराज दोनों के लिए, क्योंकि बुमराह नहीं थे, बुमराह वापस आएंगे तो शायद शमी को बाहर बैठना पड़ेगा। जो मदन जी ने कहा, शार्दुल ऑलराउंडर का काम करते हैं, उनका एक विकल्प अगर आपको लगेगा कि जी स्पिनर का ग्रिप हो रहा है तो आप अक्षर पटेल को खिला रहे हैं। लेकिन अब यहां से प्रेमदासा में जो मैच होने थे कोलंबो, जो कि स्पिनर का विकेट है, अब हम्बनटोटा आप जाएंगे, अब आपके सुपर फोर के मैच कोलंबो में नहीं हम्बनटोटा में होंगे, और वहां पर 3 स्पिनर मुझे फिर मुश्किल लगते हैं। नहीं देखिए, मेरे को क्या लगा, सबसे अच्छी बात बॉलिंग यूनिट में हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या ने देखिए बॉलिंग कर रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और एक कॉरिडोर में गेंद कर रहा है और विकेट भी ले रहा है। अच्छा। अगर हार्दिक पांड्या अगर अपना बॉलिंग कर देता है 10 ओवर और अच्छी बॉलिंग, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बॉलर जो आपको विकेट देगा, पर हो सकता है उनके पास वेरिएशन भी है, कई बार हो सकता है कि इसको मार ज़्यादा पड़ जाए, तब आप अफोर्ड कर सकते हैं।
अक्षर पटेल को लाकर बीच में खिलाने की। अगर आप आउट एंड आउट थ्री पेसर खिलाएंगे तो फिर थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगी उसके लिए, पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आज के जो पूरे मैच में हार्दिक पांडे को मैं देख रहा था बड़ी अच्छी था, क्योंकि देखिए उसका फिट रहना, उसका बॉलिंग करना भी एक बहुत ज़रूरी है। पिछले मैच में तो रन भी बनाया। देखो आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो हमें चाहिए, भारतीय टीम को चाहिए उस स्लॉट पे, और छठवां बॉलर जो आप हम गिन रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव है मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के लिए। हार्दिक का दोनों मैचों में जैसे मदन जी ने कहा वहां पर आपने बैटिंग की, आज आपने आके बॉल डाला। बल्लेबाजी में शुभमन गिल भी लग रहा था मदन जी के वो उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया है, हालांकि अगेन अगर आप दोबारा से बैटिंग पर नजर डालें, ये नेपाल की गेंदबाजी थी। नेपाल और पाकिस्तान की गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। भारत ने पाकिस्तान खेला, अब नेपाल और फिर से पाकिस्तान मिलेगा, मतलब वहां पर आपको 145 150 की स्पीड वाले बॉल हिलाने वाले गेंदबाज थे। उस दिन शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा लेट हो रहे हैं। उस दिन रोहित शर्मा ने बड़ा स्ट्रगल किया, विराट कोहली को तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो आज शुभमन गिल ने और रोहित ने रन बनाए हैं, जिस भी अटैक को बनाए हैं, ये कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करता है? और लोग जैसे कहते हैं कि क्या ये वाकई पाकिस्तान गेंदबाजों की तैयारी है, क्या ये तैयारी है उनकी जी? नहीं देखिए, एक तो हमें ना इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ओपनर जो पेयर है हमारा एक दो साल से इकट्ठी बैटिंग भी कर रहा है। दूसरा बात यह है कि जब आप ऐसी बॉलिंग अटैक नेपाल जैसे अटैक के बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सा गेंद स्लो आता है, एक दो ओवर आपको लग जाते हैं जी। जैसे आप जब आप किसी बड़े जैसे पाकिस्तान जैसे बॉलर शहनशाह अफरीदी या सोहेल रऊफ को खेलते हैं तो उसमें भी 3-4 ओवर लगते हैं। अगर वो जो टाइम है जो अब हम बात करते हैं, वो जो अगर टाइम निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये क्लास के प्लेयर है। अब मुझे लगता है जो मेरे हिसाब से मदन जी दिक्कत ये है कि अब 6 दिन गैप है, भारत 4 तारीख के बाद मैच खेलेगा 10 तारीख को। इस दरमियान पाकिस्तान अपने मैच खेल के आएगा, और कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत लंबा गैप आ जाता है तो शायद फिर आप की तैयारी भी, मेरा मानना है कि वो 100% नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट में 6 दिन का गैप एक बड़े मैच से पहले। नहीं, 6 दिन का गैप तो वैसे बहुत होता है विक्रांत, क्योंकि देखिए एक दो दिन का गैप हो तो कोई बात नहीं, पर ये इनको ना देखिए ये इनको प्रिपेयर क्या करना क्या है, मेंटली प्रिपेयर करना है। जो एक थोड़ा सा पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनके हवा सा बन चुके हुए हैं भाई, जहाँ भी जाओ वो शहनशाह अफरीदी की बात होती है या सोहेल रूइफ की या नसीम शाह की, उन्होंने भारत के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके ये जो 5-6 दिन है आप प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे, बट आपने अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना है। आप अगर देख सकते हैं कि कहाँ मैं गलत खेल रहा हूँ, ये थोड़ा सा छोटा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को दोनों ओपनर्स को, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि 6 दिन काफ़ी ज़्यादा है, दो दिन तो चल जाते हैं। तो रोहित को एक आउटिंग मिल गई, शुभमन गिल को एक आउटिंग मिल गई, दोनों नॉट आउट हैं, 50 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। विराट को खैर वो बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन दो बड़ी और खबरें हैं, मैं वो भी आपको बता दूँ। एक ये कि अब सुपर फोर के जो मुकाबले हैं वो कोलंबो में नहीं खेले जाएंगे, वहाँ पर बड़ी तेज़ बरसात है, आधिकारिक अभी ऐलान होना है, लेकिन ये मैचेस को मूव कर दिया गया हम्बनटोटा। और हम्बनटोटा क्या है, हम्बनटोटा जो है वो एक उल्टी डायरेक्शन में है, वो कोलंबो से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर बरसात नहीं हो रही। उससे बड़ी खबर ये है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, भारत की वर्ल्ड कप टीम का औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। टीम कौन सी है 15 की मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आज की गेंदबाजी जिस पर वाकई में सवाल जरूर उठते हैं। खैर, भारत और पाकिस्तान यहां से दोनों टीमें आगे क्वालिफाई कर गई हैं, और कल के लिए ज्यादा बड़ी खबर यह है कि भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान होना है। हालांकि हमने कल आपको बताया था जो 15 खिलाड़ी हैं वो एक एक कर आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे। ये टीम मीटिंग हो चुकी है, कल मीटिंग हो चुकी है, आज भी चयनकर्ताओं की आपस में बात है। जो इंडिया में है उनकी, अजीत अगरकर इस वक्त श्रीलंका में है, कोच श्रीलंका में है, कप्तान श्रीलंका में है, और ये है वो 15 खिलाड़ी जिनके नाम पर कल मोहर लगेगी। केएल राहुल को लेकर एक सवाल था, उनकी फिटनेस से खुश हैं, उनको फिटनेस उनकी ओके कर दी गई है, वो श्रीलंका भी जा रहे हैं। तो भारत के जो वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ी होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, मैं एक बार फिर आपको 15 दिखाऊंगा। एक बार ये मदन जी आप भी लिस्ट देख लें, हम 3 स्पिनर्स होंगे उसमें, कुलदीप जडेजा अक्षर पटेल, 4 तेज गेंदबाज जैसे हमने आपको दिखाया भी था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली,
शायद यही बैटिंग ऑर्डर भी आपको दिखेगा। ईशान किशन ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। अब ईशान और केएल राहुल दोनों विकेट कीपर हैं। अब केएल राहुल टीम में आएंगे, 11 पे खेलेंगे। अब सवाल है कि ईशान का क्या होगा? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर। ये है भारत की वर्ल्ड कप 15, जिसका ऐलान कल 1:30 बजे दोपहर को किया जाएगा। श्रीलंका में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो हम आपको आज तक पर और हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लाइव दिखाएंगे 1:30 बजे। अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी उसमें रहेंगे और कप्तान रोहित शर्मा भी रहेंगे। पहले टीम का ऐलान किया जाएगा, फिर उसके बाद जैसे मेरे सहयोगी निखिल नाज वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, वो सवाल पूछ सकते हैं। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं स्पोर्ट्स तक के जरिए हमें, और कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछवा लें। केएल राहुल को लेकर एक डाउट था उनकी फिटनेस पर। आप दोपहर को कर रहे थे जब शो कर रहे, तो आपने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में टाई कर दी है। नहीं, मैं मुझे लग रहा था मन जी कि ईशान किशन ने जो किया है वो अब एक ही इनिंग हुई है, लेकिन उस इनिंग को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि केएल राहुल अगर फिट है वो 11 में खेलेंगे। मैं जैसे देखता हूं वो ये है कि आप ईशान किशन को एक विकेट कीपर खिला सकते हैं, राहुल को कीपिंग में दिक्कत आ रही थी। हाँ, नहीं तो राहुल को आप एज बैट्समैन खिलाइए। नहीं देखिए, खिला अय्यर और राहुल में से एक राहुल ही फिर बैटिंग, अगर अय्यर रन बना लेता अगेंस्ट पाकिस्तान, बड़े रन बनाता नहीं, फिर सवाल तो ये होगा कि अब अगले मैच में बाहर कौन बैठेगा। अय्यर को अभी बाहर बैठा नहीं सकते, बैटिंग आई है, राहुल अभी वहां पर गए हैं, उनको कैसे खिला देंगे, और ईशान को आप बाहर कैसे बिठा देंगे इतनी जबरदस्त। नहीं देखिए, आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना पड़ेगा जी, अगर देखा जाए तो उसको ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगले मैच में, अगले मैच में शान को ही आप एकदम, आप केएल राहुल को इंडक्ट नहीं कर सकते, आप उनको वेट करना, उसको वेट करने दीजिए। जो लेके जा रहे हैं जिनको इतनी जल्दी मची हुई थी, वो तो उनको सीधा सीधा वर्ल्ड कप की 11 में खिलाना चाहते हैं। नहीं देखिए, खिलाना चाहते हैं चलो ठीक है, उनके टीम मैनेजमेंट या उनका जो भी विचार है वो अलग बात है, पर मेरे विचार में जो है अब जो चांस मिलना चाहिए तो श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए। पहले अय्यर को और ईशान ने तो रन बनाई, बनाए हैं, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा दिलचस्प रहेगा, देखना रहेगा। और इसीलिए आज तक पर मदन जी भी रहते हैं हमारे साथ, कल सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और ये हमारे साथ रहेंगे कल 1:30 बजे। ये कवरेज आज तक पर होगी, आप जरूर आए, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भारत के 15 का ऐलान होगा, उसके बाद सवाल जवाब न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे बल्कि यहाँ पर भी बैठेंगे, और आपको बाकी टीमों का भी दिखाएंगे, क्योंकि कल 5 तारीख है और अब तकरीबन हर टीम को अपनी टीम डिक्लेयर करनी होगी, तो बाकियों को भी तोल के देखेंगे। स्पोर्ट्स तक पर तो ऐसा रहेगा कि आप लोगों के सवाल एक टू वे ट्रैफिक है, लेकिन जिस तरह आपने ये एशिया कप में अभी 2 मुकाबले देखे हैं मदन जी, ये तो साफ है कि भारत की टीम अभी यहाँ पर नहीं है, ना गेंदबाजी यहाँ पर है, ना बैटिंग यहाँ पर है, लेकिन तो खेल खेल के क्या यहाँ पर आ सकते हैं, आपको दिखता है? ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे अभी 2 मैचेस हुए हैं, जैसे हमारी बैटिंग और बॉलिंग हुई है यहाँ पर है, बट एक मैच जीतने की अगर आप जीतते हैं बड़ा संडे पाकिस्तान को हराते हैं तो फिर आपका, मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ तक आ सकता है, बाकी जो आपने कहा कि यहाँ तक है वो बिल्कुल सही है। नहीं ये तो है, मतलब खेले नहीं है, ये फर्क तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है। हर किसी से आप पूछेंगे यही कहेंगे कि जी इन खिलाड़ियों ने बड़े रन बनाए हैं, बड़ी विकेटें हैं, तजुर्बा है, तकरीबन 1200 वनडे मैचों का तजुर्बा इस ड्रेसिंग रूम में है, वो टीम बस जब निकलती है बस ग्राउंड के लिए, तो 1200 से ज़्यादा वनडे मैचों का तजुर्बा उस टीम में और उस बस में होता है, लेकिन बस उसकी डिलीवरी चाहिए, और डिलीवरी जल्दी चाहिए, क्योंकि एशिया कप सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं है। हम ये सोचते हैं एशिया कप सिर्फ भारत पाकिस्तान है, जनाब वहां पर बांग्लादेश की टीम भी जबरदस्त है, और श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा है, और अब सुपर फोर में क्या होगा, आप तीनों को खेलेंगे एक एक मैच। आगाज जरूर पाकिस्तान से होगा 10 तारीख को हम्बनटोटा में ये मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन कल देखते हैं कि केएल राहुल की फिटनेस पर चेयरमैन और कप्तान क्या कहते हैं, और जाहिर तौर पर यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि ईशान किशन का क्या होगा। आपके पास अगर कोई और सवाल है तो हमें भेजिए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक के जरिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए।